हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो के अंदर हम अपने कैसे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे अपने ऐप्स को हाइड करेंगे। तो अगर आप अपने ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चलना होगा सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आपको आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद गाइस आपको थोड़ा और नीचे आना है, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, थोड़ा नीचे आना है आपको स्क्रॉल डाउन करके, फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐप लॉक का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे ऐप लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको सेट लॉक करने को बोलता है, सेट पासवर्ड करने को। बट यहाँ पे हम आ चुके हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, वो इसलिए आ रही है प्राइवेसी के रिलेटेड, यहाँ पे हम अपना लॉक डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना लॉक फिल कर लेता हूँ। चलिए, हमने यहाँ से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया और अब आप आ चुके हैं डायरेक्ट यहाँ पे हम ऐप लॉक सेक्शन के अंदर। गाइज यहाँ पे यू हैव इनक्रिप्टेड टू ऐप्स, हमने यहाँ पे दो एप्लीकेशन को इनक्रिप्ट करके रखा है। चलिए हम एयरटेल एक्सट्रीम को अगर हाइड करना चाहें तो ऐप लॉक को इनेबल करना है हमको। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हाइड फ्रॉम रिसेंट टास्क में से, हाइड नोटिफिकेशन, ये सब आपका हाइड हो जाता है, ठीक है गाइज। इस प्रकार से अगर आप YouTube को हाइड करना चाहें तो आप यहां से YouTube पे क्लिक करेंगे। ओके, ये बाई टू म्यूजिक है, हम YouTube हाइड करने वाले हैं। यहां से हम इसको इनेबल करेंगे ऐप लॉक को और फिर यहां से हम हाइड फ्रॉम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां से हमने दो तीन एप्लीकेशन को हाइड कर दिया है। फिर आप यहां पे देखोगे आपको ऐप लॉक सेटिंग्स देखने को मिलती है, ऐप लॉक सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको। यहां पे आप देखेंगे तो प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं आप यहां से, ठीक है। फिर यहां पे चेंज एक्सेस कोड, अब एक्सेस कोड क्या होता है, इसी कोड की मदद से आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं हाइड करने के बाद, ठीक है। चेंज एक्सेस कोड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सेस कोड डाल देना है जो कि हैश से स्टार्ट होना चाहिए और हैश पे ही ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना डाल लेते हैं हैश से स्टार्ट करके हैश पे ख़त्म करके, उसको कर देते हैं हम यहाँ से डन, ठीक है गाइस। डन करने के बाद इसको हम फॉरगेट नहीं करने वाले, इसको हम भूलना नहीं है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं कैसे आप देखेंगे इनको, तो आपको डायलर में जाना है और अपना वही डाल देना है जो आपने वहाँ पर सिलेक्ट करके रखा था, एक्सेस कोड 4 अंक और हैज़, इस प्रकार का आपको एक्सेस कोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हैज प्रेस कर देना है, तब आपके सामने आपके हिडन ऐप्स शो हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं और आप इनको ऐसे हाइड कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड